लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में खोले गए धान क्रय केंद्रों पर अवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस महिला नेत्री संध्या डालाकोटी एवं कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने की जो धान क्रय केंद्र विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा खोले गए हैं, अगर वहाँ समय रहते खोल दिए जाते तो आज किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था वहाँ पर भी धान क्रय केंद्र खोलने का, लेकिन मैंने अभी समाचार पत्र के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ पर खुला है, लेकिन वहाँ पर अभी ये मतलब हमारे जो वहाँ पर किसान हैं उनके द्वारा मुझे जानकारी हुई कि भी जो स्थली निरीक्षण करके वहाँ पर कुछ भी ऐसे सक्षम पुख्ता इंतजाम कुछ भी नहीं लगे हुए हैं सरकार द्वारा, खाली हवा हवाई में बात हो रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, तुरंत ही किसानों की जो मेहनत को देखते हुए, आने वाला समय हमारा दीपावली है, धनतेरस है, और जो उस समय अभी किसान की फसल कटी हुई है उसमें सारे लेबर मजदूर लोगों ने काम किया है, तो उनकी जो मेहनत है उसका फल उनको मिलना चाहिए और तुरंत ही क्रय केंद्र खोलना चाहिए बिंदुकत्ता में भी। देखिए, ये एक किसान की जो मांग थी, आज ये किसान के लिए जो आज केंद्र खोले जा रहे हैं, जो हमने मांग रखी थी पूरी कांग्रेस पार्टी ने कि एक धान विक्रय केंद्र।